राखी ने किया आदिल को एक्सपोज। तनु के साथ आदिल की फोटोज आई सामने। राखी सावंत ने आज ही मीडिया को बताया कि आदिल की गर्लफ्रेंड का नाम तनु है। वहीं अब दोनों की फोटोज भी सामने आ गई हैं, जिसमें आदिल और तनु पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राखी ने तनु संग अपनी बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है, डालिए उस पर एक नज़र। ओके, तो बोलिए तनु। आप बताइए, आपको बात करना था मुझे। मिल लो ना एक बार बेबी, एक बार मिल लो ना। लेकिन क्यों? हमारी बातें सब क्लियर हो जाए ना, जो भी है। सुनिए सुनिए, पहली चीज ना तो मैं आपकी लाइफ से हूँ, ना तो ठीक है कि मैं आपसे मिलूँ, ना तो मेरा और आपका ऐसा कोई कनेक्शन है कि मैं आपसे मिलूँ। नहीं, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कि मैं आपसे मिलूँ। फ्रेंड तो मैं भाड़े का मानती नहीं किसी को। तुम भाड़े का मानो ना मानो, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। आपका मेरा मेरे से कोई रिलेशन नहीं तनु, लेकिन आपका मेरे हस्बैंड से तो रिलेशन था ना। फ्रेंड्स बोलो, छोटा भाई बोलो, या कुछ भी बोलो। नहीं भाई, वही तो मेरा है नहीं। फ्रेंड बोल सकती हूँ, फ्रेंड से ज्यादा भी बोल सकती हूँ, भाई नहीं है। और बताइए। फ्रेंड से ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब? क्योंकि आप तो खुद ही बोलते हो ना सब जगह कि मेरी भाई मेरा, आप खुद ही बोलते हो सब जगह कि सबको वीडियो भेजते हो, ऑडियो भेजते हो। ये सबको नहीं, आपकी भाभी और आपके भाई को भेजा है। नहीं अब तो नहीं, सुनिए और पता है क्या ना कि आप ना देखिए, मैं ज्यादातर ना तो लड़ना है मुझे ना आपसे झगड़ना है ना किसी से बदतमीजी करनी है। ठीक है, मैं सीधा सा बोलती हूँ। देखिए जो जो आपको भेजना था आपने भेज दिया। मैं थोड़ा सा फैमिली पे इतना भी ठीक है, मेरी फैमिली में तो पता चल गया कि आपने खुद ही बता दिया। तो अब नेक्स्ट क्या है? मैं आपसे डर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आप फोटो वीडियो क्या भेज रहे हैं जो भी वो भगवान फोटो? मैं अगर मुझे इसे डालना होगा ना, मैं खुद पोस्ट कर दूंगी और बहुत अच्छी फोटो पोस्ट करूंगी। किसकी? अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं एक तो भेज भी दूंगी। हाँ भेज दीजिए, है ना। तो इसलिए अब मुझे ये सबसे तो फर्क पड़ता नहीं कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे ऐसा वैसा, मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आप मीडिया में दे दो या कहीं, क्योंकि मेरे में भाई के भाई को तो पता चल गया। ओके, तो अभी क्या आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रही है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। आप जो मतलब अगर ये सोच रहे हैं कि मैं डर रही हूँ, ये सोच रहे हैं। नहीं, डर की बात ही नहीं है। मेरा तो यही है कि आप अगर आपका कुछ हो या ना हो मेरे आदिल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, तो आप अगर एक मिल सकती है तो मेहरबानी होगी। मेरा है आदिल के साथ। क्या है? बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या? बहुत कुछ। मैम आपको क्या, आप तो समझदार हूँ, आप बताइए ना मुझे तनु। नहीं मैं क्यों बताऊँ आपको, तो आप सारी चीजें तो ऑलरेडी, क्योंकि आप जो चीज़ तो आपने कैसे, मैं तो शादीशुदा हूँ उनके साथ, तो फिर आपने कैसे कबूल किया? सुनिए ना, आप जो चीज़ 5% होती है उसे 50% तो ऑलरेडी बना लेते हो। ठीक है, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, क्या बोल रहे हैं आप जानते क्या वो मैं क्या, वो तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ तो फिर एक शादीशुदा आदमी के साथ आप कैसा रिलेशन रख सकती है? दिल आ गया, दिल आ गया। हाँ, क्या करें? तो वो आपको अपनाने को तैयार है मुझे छोड़ के? 100%। तो आप बोलिए मुझे छोड़े आपको अपना ले। अच्छा ठीक है, मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपने, मुझे सुनिए क्या है? नहीं छोड़ दीजिए ना, अगर आपको नहीं लगता है कि आदिल ने बोला है तो आप छोड़ दीजिए ना। अभी मैं क्या बोल सकती हूँ बताइए आप? आपको आदिल कबूल कर रहा है? वो तो आप, मैंने आपको बता दिया, आप पूछ लेना। नहीं वो तो मना कर रहे हैं, वो तो बोलते मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, आपको लगते हैं, आपको लगता है कि कोई बड़ी बहन इतना घूम फिर सकती है किसी के साथ? वो मुझे कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी बहन तो नहीं घूम सकती, इसलिए तो मुझे डाउट था, इसलिए मैंने आपको पूछा। एक चीज और आपको बता दूं, आप मैंने सुना एक वीडियो में, ऑडियो में कि मैं 37 साल का, तो मैं आपको बता दूं मैं 37 की नहीं, मैं 34 की ही हूँ। 37 तो अभी मुझे 4-5 साल लगे हैं, उसके बाद मैं पहुंचूंगी। तो एंड आंसर जो भी डिटेलिंग जो भी आप करते हैं ना, तो वो सही करिए। आप मुझे आदिल ने बताया कि आप 37 है, तो अभी आदिल हो गया, वो
पता है आप डाल सकते हैं, तो आप मुझे वो सुंदर सुंदर फोटो भेज दो ना, एक बार मैं देखूँ ना। मैं वो सारी चीजें थोड़ा सा रखी हुई हूँ कि जब मेरे मुझे लगे कि मुझे डालना है तो मैं डालूंगी। तो आपको लगता है थोड़ा भी कि आदिल ने मेरे साथ चीट किया है आपके साथ रिलेशन रख के? नहीं, मैं नहीं बोलूंगी आपके साथ चीट किया, मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ चीट किया या किसी के साथ भी किया। आपने जो भी गंदे वर्ड उसको बोले कि क्या बोलते हैं, उसने रेप किया है ये, अगर पहली चीज चलो अगर किसी हस्बैंड ना सही हो गलत हो या कैसे भी हो ना, तो हमेशा उसकी वाइफ ना दूसरों से जाके ना ये नहीं बोलेगी। मैं तुम्हें बचाना चाह रही थी तनु, मेरी माँ की कसम मैं तुम्हें बचाना चाह रही थी कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तो तनु की ना हो एटलीस्ट, रोशन की जिंदगी खराब हो गई है एटलीस्ट तनु की ना हो। वेल, आपका क्या कहना है इस शॉकिंग खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।